शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी एससीओ की बैठक में आज भारत का दम दिखेगा। प्रधानमंत्री मोदी उज्बेकिस्तान के समरकंद में मौजूद हैं। प्रधानमंत्री मोदी की आज रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात होगी। याद रखिए, ये यूक्रेन जंग के बाद पहली बार आमने सामने हो रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति पुतिन। जिस यूक्रेन की जंग पर अमेरिका से लेकर चीन तक सबकी नजर रहेगी। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी समरकंद में इस वक्त मौजूद है, लेकिन यह तय नहीं है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात सीधा होगी या नहीं होगी, लेकिन आमना सामना तो होना ही है क्योंकि ये तमाम सदस्य देश एक ही जगह पर बैठक करने वाले हैं। लद्दाख में एलएसी से चीनी सेना के पीछे हटने से तनाव जरूर कम हुआ है। पेट्रोलिंग प्वाइंट 15 पर जो डोगरा हॉट स्प्रिंग्स है लद्दाख में, वहां से दोनों की सेना पीछे जरूर हट गई है, लेकिन देखना है कि क्या इसका असर समरकंद में दिखेगा या फिर नहीं। पाकिस्तान में सत्ता बदलने के बाद पहली बार पीएम मोदी और दूसरी तरफ पाक पीएम शहबाज शरीफ आमने सामने होंगे। बड़ी खबर के साथ हम बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी ही देर बाद एससीओ की बैठक में राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत होने वाला है, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के साथ दोनों की मुलाकात पर भी सस्पेंस बना हुआ है। एससीओ समिट दुनिया का सबसे बड़ा प्रादेशिक संगठन है, तीन तीन महाशक्ति इसके सदस्य हैं। ऐसे में इस बैठक पर पूरी दुनिया की नजर है, खास तौर पर अमेरिका की नजर इस पर जरूर रहेगी, ब्रिटेन की नजर जरूर रहेगी, क्योंकि दुनिया के इस हिस्से में तीन महाशक्तियों का आज संगम इस एससीओ में हो रहा है। बैठक होने वाली है और पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायलैटरल बैठक भी होने वाली है। जो टॉप 8 मुल्क है इसके सदस्य, उनके चेहरे हम आपको दिखा रहे हैं और इसी के साथ ये जानकारी सबसे बड़ी कि राष्ट्रपति पुतिन के साथ आज मुलाकात होने वाली है। क्या कुछ होगा, सुबह 10:10 पर राष्ट्राध्यक्षों का स्वागत समारोह होने वाला है, सबको आप आमने सामने देखेंगे। 10:30 पीएम मोदी की 1+1 एससीओ मीटिंग होगी और उसके बाद 12:15 1+5 एससीओ मीटिंग प्रधानमंत्री की होगी। जो अलग अलग सदस्य देश है, 12:15 समरकंद समझौते पर हस्ताक्षर होना है। क्या समझौता इन मुल्कों में होता है, उज्बेक राष्ट्रपति का प्रधानमंत्री मोदी के साथ सम्मान में भोज है 2:45 और उसके बाद रूसी राष्ट्रपति पुतिन के साथ द्विपक्षीय बैठक, हाई पावर बैठक जिसे कहा जा सकता है। 4:50 पर उज्बेक राष्ट्रपति से भी मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद ईरान के राष्ट्रपति से भी उनकी मुलाकात है। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं समरकंद में किस तरह से स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति वहां पर पहुंचे उनका स्वागत करने के लिए और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, शी जिनपिंग जो वहां पर पहुंचे हुए हैं, ये तीन वो महाशक्तियां जो आज इस एससीओ में, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन जिसकी स्थापना बरसों पहले हुई थी आसपास के इलाकों में शांति बहाली के लिए, शंघाई इसीलिए उसका नाम रखा गया, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए 10:00 अब से 15 मिनट बाद आप समझ लीजिए कि हलचल शुरू हो जाएगी। औपचारिक रूप से स्वागत होगा तमाम राष्ट्राध्यक्षों का और उसी के साथ फोटो ऑप भी शुरू हो जाएगा।